रूस के मॉस्को स्थित कंसर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले में 70 लोगों की हुई मौत, इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेवारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में डिजिटल पेमेंट्स में हुई प्रगति पर चर्चा की गई। सांख्यिकी मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.4% रही है। बिहार दिवस के अवसर पर पटना स्थित राजभवन में छात्र छात्राओं और विभिन्न कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का परिणाम आज दोपहर जारी किया जाएगा। गया में जिला शिक्षण और एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। गया जिले की डोभी चेकपोस्ट परिसर में जिला पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा भारी मात्रा में जब्त शराब का मिनिस्ट्रीकरण किया गया। मुंगेर जिले के तारापुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सतखरिया गांव से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप और मादक पदार्थ जब्त किया गया है। किशनगंज पुलिस ने कोचाधामन थाना क्षेत्र से तस्करी के लिए ले जा रहे 63 मवेशियों के साथ 22 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंत में बुलेटिन